नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने गांव, शहर, एरिया या किसी भी स्थान का पिन कोड कैसे पता करें, क्योंकि कई बार होता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट में देना होता है या कई बार किसी अन्य कारणों से आपको पिन कोड किसी अन्य स्थान के पता करना होता है, या अगर आपको अपने स्थान का पिन कोड नहीं पता है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपल सर्च करना है इंडियन पोस्ट ऑफिस, जैसा देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाले जो वेबसाइट आएगा, आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका मेन पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अलर्ट आएगा, सावधानी चेतावनी मतलब बताया गया है, ठीक है, सोशल मीडिया से संबंध। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ केंद्रीय मंत्री का फोटो दिख जाएगा। जैसे ही केंद्रीय मंत्री चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर फोटो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड पिन कोड पर क्लिक कर देना है। और फाइंड पिन कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आएगा, दो माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना स्टेट या डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा, यहाँ पे देखिए कभी कभी कैप्चा आएगा, कभी कभी जोड़ने के लिए दोनों डाल कर सर्च पर क्लिक करेंगे हो जाएगा। और नहीं तो एक और उपाय है इसका कि आपको अगर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे, फिर यहाँ जोड़कर उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके दे, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी स्थान का जैसे यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्थान है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब जैसे वहाँ पर क्या किए, स्टेट और सिटी डाल दिए ना, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये एरर आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर जो जोड़ दिया गया उसको आपको जोड़ देना, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा पिन कोड जितना भी है आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट पेज का देखना है ना, तो यहाँ दो पर क्लिक कीजिएगा तो और दूसरा पेज खुल जाएगा, तीसरा पेज। अगर अधिक खुलना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे क्लिक, मैं आप लोग को एक बार दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर देखेंगे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पिन कोड खुल जाएगा, उस जिला का जितना भी पिन कोड होगा पूरा खुल जाएगा। और नहीं तो अगर पूरा जिला के पिन कोड नहीं देखना है तो फिर से बैक आएंगे, फाइंड पिन कोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी भी स्थान का पोस्ट कोड मतलब पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा होगा उसको डाल देते हैं। अब देखिए मैंने कैप्चा डाल दिया, उसके बाद सिंपल सर्च पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ अली नगर में जितने भी पिन कोड हैं यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप किसी भी स्थान, शहर या जहाँ भी है उसका एड्रेस डाल के यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या जिला डाल के वहाँ पे अपना पिन कोड पता कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।